अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में साबुदाना के पराठे। साबुदाना बहुत ही ताकतवर भी होता है, ठंडा भी होता है, और रमज़ान में सहरी में एक ही तरह के पराठे खा के घर वाले बोर हो जाते हैं, क्यों ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए जाए। तो आज हम बना रहे हैं साबुदाने के पराठे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैंने इस कप से नाप के लिया है साबुदाना, ठीक है, और इतने ही बड़ा कप हम पानी का डालेंगे इसमें, सिर्फ एक, ठीक है, ये ही पानी हम डालेंगे। और इसको हमने कर देना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा पहले हमने जिस कप से पानी डाल साबुदाना लिया था उससे कप से उतना ही हमने नाप के पानी डाला था। देखिए साबुदाना हमारा खुल के अच्छे से तैयार हो गया है, तरीके से नरम। इस चीज़ का ख्याल रखना कि पानी ज़्यादा ना हो। जिस कप बर्तन से हमने साबुदाना लेना है उसी बर्तन से नाप के हमने उतना ही पानी लेना है, ठीक है। अब हम इसको साइड में कर देते हैं। हमने इसी कप से नाप के हमने लिया है 3 कप आटा, सादा आटा लिया, चक्की का आटा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है साबुदाना। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज। एक ये दरमियानी हमने ये हरी मिर्च ये डाल देंगे चॉप करके। नमक हम लेंगे 10 मिसाइका, ठीक है, नमक ले लिया हमने 10 मिसाइका। 1 चम्मच अब हम इसमें डालेंगे पिसी लाल मिर्च। अगर आपको तेज पसंद हो चिल मिर्च मसाला तो आप थोड़ा तेज भी कर देंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच हमें डालना है जीरा पाउडर। आधा चम्मच अब हम इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर, ठीक है। अब इसको हमने हाथ अच्छे से धो लिए हैं और इसमें डाल देना है अभी हमने को चम्मच कुकिंग ऑयल। ठीक है, हाथों को अच्छे से धो लिया हमने। अब इसको पहले हम मिक्स करेंगे। हल्का हल्का सा पानी डाल के इसकी बहुत अच्छी सी डो तैयार कर लेते हैं।
डो हो गई हमारी बिल्कुल से तैयार। ठीक है, अब हमने इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया। कवर करके रखेंगे। ये तो हमने रख दिया 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इसके साथ हम बना रहे हैं अनारदाने की चटनी, या तो हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। अनारदाना की चटनी बनाने के लिए 3 चम्मच मैंने लिया अनारदाना, 5 चम्मच लिए मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, 3 चम्मच हमने लिया ज़ीरा, 1 चम्मच हमने लिया नमक, 6 से 8 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के, और क्वार्टर गड्ढी लिए हैं हमने पुदीने की। तो क्या करेंगे, तो तमाम चीज़ों को मिक्सर में डालेंगे और हंसके ज़रूरत पानी लेंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे। अनारदाने की चटनी बहुत ही अच्छी होती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट कम करती है, उससे वेट भी लूज होता है। साबुदाने के पराठों के साथ, पनीर के साथ, और किसी भी किस्म के पराठे बनाएं आप, उसके साथ साबुदाने की चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। ठीक है, इसमें हंसने ज़रूरत हम पानी ले लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, चटनी का सारा सामान हमने डाल के ब्लेंड कर लिया है। पुदीना हम इसको लास्ट में मिलाएंगे। ठीक है, आटा हमारा बिल्कुल से सेट हो गया है। अब हमने इसका क्या करना है, छोटे दरमियाने साइज को हमने इस तरह को पेड़े बना लेने हैं। बहुत बड़े मोटे नहीं, वो दरमियाने साइज के बनते हैं। बिल्ली हमारी चाय तो उसको तवे पर डाल देंगे, तो तवा हमारा गर्म है। वाइस नीचे से सिक गई है रोटी, इस तरह इसका कलर चेंज हो रहा है। क्या करना है इसके ना कलर के, हमारे साइड पे हमने पहले घी डाल देना है।
मोटी हमारी फूल रही है, बहुत ही सॉफ्ट होती है रोटी, बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ताकतवर होती है रोटी। सहरी के लिए रोजों में बहुत अच्छी है, ठंडा भी होता है साबुदाना, ताकतवर भी होता है। कोई सोडा नहीं डाला है, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ तक हमारा फ्रेश सॉफ्ट सॉफ्ट बनना है हमारे पराठे। पराठा हमारा दोनों जगह से अच्छे से सेक गया है, ऐसे ही चारों तरफ से सेक गया हमारा। भी दिखाते हैं आपको ये सब सीख गया है। अब हमने इसको गले में बताने इसी तरीके से अपने तमाम पराठे तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह या वाजिदु मजेदार। चटनी कैसी बनी? मजेदार। चटनी के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। मेरे बेटे को तो आप आज का मेन्यू बहुत ही पसंद आया, तो आप इस मेन्यू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।